वेलकम टू कुक विद चिन्ना। आज हम बनाने जा रहे हैं सुरती लोचो। उसके लिए मैंने पहले 200 ग्राम जितने चना दाल ली थी उसे रात को पानी में भिगो के रखा पूरी रात। अब इसे हम मिक्सर में लेंगे, तो ये वाला पानी यूज नहीं करना है क्योंकि ये पहले से फर्मेंट हो चुका है और इसे हम पीस के फर्मेंट करने लगेंगे तो फिर ये ज़्यादा ही, तो इसमें से एक अलग टाइप का स्मेल आने लगता है। इसके लिए ये वाला पानी बिल्कुल यूज ना करें, इसे फेंक देंगे। अब इसमें हम दो खड़ी मिर्च डालेंगे। और इसमें हम दही डालेंगे। दही इसमें कंपलसरी है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और फिर मिक्सी में पीसेंगे। इसे पूरा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, इसे थोड़ा दानेदार जैसा रखना है। इस तरह का पेस्ट बनना चाहिए, इस तरह का दानेदार चाहिए, पूरा स्मूथ नहीं करना है। अब इसे हम एक टोप में लेके 5-6 घंटे के लिए खमीर आने तक छोड़ देंगे। लोचा मसाला बनाने के लिए बनाएंगे, उसके लिए चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, फिर आधा चम्मच रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर, फिर थोड़ा ब्लैक पेपर, फिर थोड़ा चाट मसाला और फिर से मिक्स कर लेंगे। लोचा मसाला 6 घंटे के बाद ये देखिए कैसा फूल के आया है, इतना अच्छा खमीर आया है। अब हम पहले थाली को ग्रीस लगा ग्रीस करके गैस चालू कर देंगे। फिर अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, फिर इसे पहले मिक्स कर लेंगे। पूरा पैकेट इनो रेगुलर ले, लेमन या कौन सा फ्लेवर वाला ना ले। पूरा एक पैकेट डाल दे। फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी डाले पहले और अब इसे से मिक्स कर ले, ज्यादा घोट घोट ना करें। ये देखिए इसका गोल ऐसा पतला होना चाहिए, एकदम गाढ़ा ना रखे। अब इसे हम इसमें डाल देंगे।
फिर ढक्कन को है ना एक कपड़े से पहले बांध लेंगे क्योंकि इसमें से जो पानी पानी की बूंद पड़ती है तो फिर वो खराब हो जाता है। गैस पे 10-12 मिनट के लिए रखें। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए धनिया, 2 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन के टुकड़े और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इससे मैं नमक और जीरा पाउडर डाल के मिक्सी में चलाएंगे। वैसे ये हरी चटनी तैयार है। इसके साथ हम इमली की मीठी चटनी भी बनाएंगे। हरी चटनी डालेंगे, फिर इमली की चटनी डालेंगे, फिर वो जो मसाला बनाया था लोचो का वो डालेंगे, फिर ऊपर से प्याज। रेडी है लोचा, सुरती लोचा।